मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से विधायक बने और इस बार उनको मंत्री बनाया गया है। परिवहन मंत्रालय जैसा अहम विभाग भी उनके पास है और उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ये चेतावनी भी दी है कि देखिए ठीक से काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, अगर ठीक से काम नहीं किया तो फिर आपका तबादला नहीं होगा, भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले नहीं होंगे बल्कि कुछ और किया जाएगा। क्या करने की मंत्री साहब कह रहे हैं ये रिपोर्ट देखिए। मूलचंद शर्मा काफी एक्शन में दिखाई दिए, तभी तो उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि माइनिंग ठेकेदार अगर सरकार का हिसाब नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। जिन्होंने जो माइनिंग जो एमबी उनका साइन हुआ, अगर उनने प्रॉपर्टी जमीन निर्धारित करी है, अगर उनने प्रॉपर्टी मान लो पैसा सरकार का नहीं दिया, मैंने कहा था मीट में, उनकी जमीन को अटैच करें, उनसे जितना माइनिंग के महकमे पैसा बाकी सब अटैच कर पैसा लेने का। मूलचंद शर्मा ठीक ढंग से कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या उनकी ओर से दी गई चेतावनी के बाद अधिकारी अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खबरें अभी तक के लिए बल्लभगढ़ से प्रेम खान की रिपोर्ट।